डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। तो आज के लेक्चर में बेटा हम पढ़ेंगे सिर्फ कोल के बारे में, और नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। तो बेटा हम हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे मटेरियल का यूज़ करते हैं, उनमें से कुछ मटेरियल जो हैं वो नेचुरल होते हैं और कुछ मटेरियल जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज बेटा जो हमें नेचर से प्राप्त हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे बेटा एयर, वाटर, सोल, मिनरल, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब बेटा जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनमें भी कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो नेचर के अंदर लिमिटेड हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी होते हैं जो नेचर के अंदर अनलिमिटेड हैं। तो बेटा जो रिसोर्सेज नेचर के अंदर अनलिमिटेड पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे बेटा सनलाइट है और जैसे एयर है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर जो नेचर के अंदर बेटा जो लिमिटेड अमाउंट में पाए जाते हैं, मींस जो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे, उन रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे बेटा फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है बेटा, ऐसे रिसोर्सेज है जो एक टाइम के बाद क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो बेटा इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सिर्फ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे बेटा कोल के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में एंड नेचुरल गैस के बारे में। अब हम पढ़ते हैं बेटा कोल के बारे में। कोल जो होता है बेटा ये हार्ड है, स्टोन स्टोन की तरह क्या होता है बेटा, ये हार्ड होता है एंड ब्लैक इन कलर, इसका जो कलर है वो कैसा होता है, ब्लैक होता है। तो हमें जो ये फोटो दिखाई गई है बेटा, ये क्या है बेसिकली, ये है हमारा कोयला। तो बेटा पहले जो इसका यूज़ किया जाता था, इसका यूज़ किया जाता था बेटा इन रेलवे इंजन्स के अंदर। तो रेलवे इंजन के अंदर इससे क्या की जाती थी, स्टीम पैदा की जाती थी, इससे क्या प्रोड्यूस की जाती थी, स्टीम। और स्टीम का यूज़ करके हम क्या करते थे, रेल को जो है वो रन करवाते थे। लेकिन आज के टाइम में कोयले का यूज़ किया जाता है बेटा थर्मल पावर प्लांट के अंदर, और इससे क्या की जाती है, टर्बाइन जो होती है उसको रोटेट करवाया जाता है ताकि हम क्या प्रोड्यूस कर सकें बेटा, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकें। तो बेटा अब हम समझते हैं कोयला बनता कैसे है, स्टोरी ऑफ कोल। तो बेटा लगभग 3000 लाख साल पहले, 1 मिलियन जो होता है बेटा वो 10 लाख के बराबर होता है। तो लगभग 300 मिलियन मीन्स 3000 लाख साल पहले हमारी जो अर्थ थी बेटा, इसके ऊपर क्या थे, इसके ऊपर जो है काफ़ी सारे जंगल ही जंगल थे। अब जो नेचुरल प्रोसेस होता है बेटा, जैसे फ्लडिंग वगैरह है, उसके द्वारा क्या हुआ, ये जो वनस्पति थी वो हमारी मिट्टी के अंदर दबती चली गई, और दबने के कारण इसके ऊपर क्या हुआ बेटा, हाई कंप्रेशन प्रोड्यूस हुआ। और कंप्रेशन के कारण, मिट्टी के कारण बेटा ये जो है यहाँ पर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर मेंटेन हुआ, और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंदर हमारे जो डेड प्लांट्स थे वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गए बेटा, वो जो है कोल के अंदर या कोयले के अंदर क्या हो गए बेटा, कन्वर्ट हो गए। तो इस प्रोसेस को जो है बेटा, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनिएशन प्रोसेस। तो बेटा इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिएशन प्रोसेस बोलते हैं। तो बेटा अब जो है यहाँ पर ये जो है बेटा, ये है माइन, कोल माइन, जहाँ से कोयले को क्या किया जाता है बेटा, निकाला जाता है। तो जो कोयला होता है बेटा, जब उसको बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये किसके अंदर चेंज होता है बेटा, CO2 के अंदर चेंज हो जाता है। ये किसके अंदर चेंज होता है बेटा, CO2 गैस के अंदर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो बेटा जो है कोल का जो है यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग कोक, इससे हम कोक फॉर्म करते हैं बेटा, कोल टार बनाया जाता है, और जो है कोल गैस बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा कोक के बारे में। तो जो कोक है बेटा, ये भी क्या होता है, एक तरह का मटेरियल होता है जो नेचर में कैसा होता है, टफ होता है। कैसा होता है बेटा, टफ होता है, और ये जो है पोरस होता है बेटा, इसके अंदर पोर्स होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं बेटा, पोर्स होते हैं। और इसका भी कलर कैसा होता है बेटा, ब्लैक होता है। तो यदि हम बात करें तो ये बेसिकली क्या है, ये प्योर कार्बन होता है बेटा, ये क्या होता है, प्योर कार्बन, ये क्या होता है बेटा, प्योर कार्बन। और इसका बेटा यूज़ किया जाता है इन स्टील इंडस्ट्री, जहाँ पर स्टील बनाया जाता है वहाँ पर किसका यूज़ किया जाता है बेटा, कोक का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज़ किया जाता है बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल,
मेटल को प्योरीफाई करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है बेटा। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा कोल टार की। कोल टार क्या होता है बेटा, ये भी हमारा एक तरह का ब्लैक थिक लिक्विड होता है। तो ये भी क्या होता है बेटा, ब्लैक थिक लिक्विड होता है और इसकी जो स्मेल होती है बेटा वो क्या सी होती है, अनप्लीजेंट स्मेल होती है। और इसमें लगभग 200 जो है सब्सटेंस पाए जाते हैं और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है बेटा हमारे डेली लाइफ में। जैसे इसका यूज़ किया जाता है बेटा सिंथेटिक डाई बनाने के लिए, इसका यूज़ किया जाता है बेटा ड्रग्स बनाने के लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए, एक्सप्लोसिव बनाने के लिए, परफ्यूम बनाने के लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए, पेंट बनाने के लिए, फोटोग्राफिक मटेरियल बनाने के लिए, रूफिंग मटेरियल बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ इसका भी यूज़ किया जाता है बेटा जो इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और पहले इसका यूज़ किया जाता था बेटा जब हम रोड बनाते थे, रोड के ऊपर जो हम जो ब्लैक मटेरियल हम डालते थे बेटा वो बेसिकली क्या होता था, कोल टार होता था। लेकिन अब उसकी जगह किसने ले ली है बेटा, बिटमन में ले ली है, बिटुमेन का यूज़ किया जाता है बेटा अब किसकी जगह, कोल टार की जगह अब यूज़ किया जाता है। ये जो हमारा होता है बेटा ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है। जब हमारे पास जो कच्चा तेल होता है बेटा उसमें से हम पेट्रोल को बाहर निकाल लेते हैं, डीजल को बाहर निकाल लेते हैं, कैरोसिन ऑयल को बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास जो ब्लास्ट में बचता है बेटा वो क्या होता है बेटा, वेस्ट प्रोडक्ट होता है। उसको हम यूज़ करते हैं किसमें, सड़कें वगैरह बनाने के लिए उसका हम यूज़ करते हैं। इसके बाद आती है बेटा कोल गैस। कोल गैस क्या होती है, जब हमारे पास, हमने कोल के बारे में पढ़ा, जब कोल से कोक प्रोड्यूस किया जाता है, क्या बनाया जाता है बेटा, कोल से जब कोक बनाया जाता है तो एक गैस बाहर निकलती है, दैट इज़ कोल गैस। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कोल गैस। तो इसका यूज़ किया जाता था बेटा 1810 के आसपास न्यूयॉर्क में इसका यूज़ किया जाता था फॉर मेकिंग स्ट्रीट लाइट, है ना, स्ट्रीट लाइट को रन करवाने के लिए या लाइट के लिए इसका यूज़ किया जाता था। लेकिन आज के टाइम में इसका यूज़ किया जाता है बेटा सोर्स ऑफ हीट के लिए। इससे क्या प्रोड्यूस की जाती है, इसको जो है बर्न करके हीट प्रोड्यूस की जाती है। और ये कहाँ पे होता है बेटा, ये मेनली इंडस्ट्रियल जो एरिया होता है वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। तो आज के लिए बेटा इतना ही।